The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, how are you? I'm Dr. Paramjeet. Kaise ho dosto? Happy Diwali to all of you. Dosto, Diwali aa gayi hai. आइडियली देखिए, आइडियली तो हमने ऑलरेडी आपको बताया दिवाली में खाना कैसे खाना है, डाइट वाला वीडियो या हेल्दी रहने वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। कोई उबली सब्जियां नहीं खिलाएंगे, वही सब खाओगे जो आप खा रहे हैं लेकिन हेल्दी रहोगे, राइट। और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताएंगे लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है फटाके। कई लोग मानते हैं दिवाली के फटाके, क्रैकर्स, उससे बहुत पोल्यूशन होता है तो वो नहीं फोड़ना चाहिए, मगर फिर भी कई लोग फोड़ते हैं। कईयों के बच्चे कहते हैं पापा मुझे फोड़ना है, मम्मी मुझे फोड़ना है, तो फोड़ने देते हैं भाई। ठीक है, अगर आप कायदे से तो नहीं फोड़ना चाहिए, पोल्यूशन हो रहा है, अस्थमा वाले पेशेंट्स बेचारे हफ्तों तक परेशान, बच्चे बूढ़े नौजवान क्या करेंगे आप बताओ। फिर भी अगर आप फोड़ रहे हो, मान लो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं डॉक्टर साहब थोड़ी सी फोड़ लेता हूं, डॉक्टर साहब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मल्ला को माइक नहीं, हम तो फोड़ेंगे, राइट। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आप फोड़ने वाले हो, अगर नहीं फोड़ने वाले हो तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, पर देख भी सकते हो, जनरल नॉलेज इज ऑलवेज वेरी गुड, राइट। लेकिन अगर आप फोड़ने वाले हो तो फोड़ोगे कैसे और सेफ कैसे रहोगे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, लंबे लंबे लूज लूज कपड़े ना पहनना। बोला सर डॉक्टर साहब हमको बेसिक पता है, इतने पागल नहीं बैठे, सुन लो सारे सिंपल सिंपल, हर एक पॉइंट कवर करना पड़ता है, समझे, ऐसा नहीं होता है ना। सो लंबे कपड़े नहीं पहनना, नहीं तो आग लग जाएगी, ऑब्वियसली है, उसमें दाग भी हो सकता है, टक टक अंगार लग जाती है। और भाई साहब माचिस या लाइटर से कृपया दिवाली के फटाके ना फोड़े, राइट। वहीं के वहीं फट सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए कोई लंबी चीजें ले लो, राइट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लंबी लंबी समथिंग। सो ऐसा माचिस लाइटर नहीं, बात लगा के फोड़ूंगा डॉक्टर साहब, सब जुगाड़े मुझे पता है आपके पास, लेकिन जो रिकमेंडेशन है बच्चों को समझाओ, समझे, ऐसा नहीं करते, हाथ में तो कतई मत फोड़ना यार कृपया, राइट। एरियल फ्लैम रॉकेट फॉकेट है उनको तो जलाना बंद ही कर दो, उससे तो किसी का भला ना हुआ है कि नहीं, रॉकेट वॉकेट कहीं भी घुस जाता है, दैट इज वेरी बैड। सो उसकी जगह वो जो ऊपर जाके ढूंढ सीधे जाते हैं, दैट आर ओके, तो सीधे जाके ऊपर फूटते हैं वो फोड़ लो, थोड़े महंगे हैं बट डन ओके, रॉकेट वॉकेट छोड़ दो, ठीक है। देन कोई भी माचिस जली हुई को या कोई भी चीज को जला हुआ मत छोड़ दो जगह पे, कर जल रहा है कुछ तो उसको बुझा दो, राइट। उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, उसके ऊपर कुछ डाल दो, ये सब क्या होता है, कोई जली हुई चीज कभी उड़ते फुड़ते कहीं चलेगी, मान लो वो एकदम से आग लग सकती है चीजों में, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। तो अगर आपका मान लो हो गया और वो कुछ जल रहा है, सो आइदर यू स्टे देयर, वहां रुको, देखो कि भाई ठीक है बुझ गया, ऐसे जला हुआ छोड़ के मत चला जाओ, इसमें कई बार अनहोनी हो सकती है, रिमेंबर दैट। और एक्सपेरिमेंट मत करो फटाकों से कि मैं तो हाथ में फोड़ूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ऊपर से करूंगा, डोंट डू दैट, राइट। राइट, रोड पे फटाके फोड़ने की जगह बड़े खुले मैदान में देखिए, रोड पे मत फोड़िए, कायदे से तो रोड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, वहाँ पे आपके व्हीकल्स है, वहाँ पे आते जाती व्हीकल्स है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। देन कोई भी क्रैकर को हाथ में या कोई भी हैंड हेल्ड चीज़ों में ना फोड़ें, वो भी रिस्की है। और फेस के पास, आँखों के पास बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसमें चक्री या ऐसी घूमने वाली चीज़ें, हाथ चक्री बिल्कुल ना जलाएं, कुछ स्पेशल ऐसी अनार हाथ में रख के बिल्कुल ना जलाएं भाई साहब, कोई मर्दानगी नहीं है उसमें, कोई ज़्यादा कोई वो तूफान मेल नहीं बन गए हो, राइट। डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, डोंट थ्रो फ्रैक फटाके एक दूसरे में तो फेंको मत कृपया, ये कोई मजाक वाली चीज़ें नहीं है, सीरियस इंजरीज के साथ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, राइट। और बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़े बड़े फटाके, बड़े बड़े उल्टी सीधी चीज़ें ना दें, फटाके बहुत डेंजरस हो सकते हैं। और अगर कोई फटाका टाइम लगा रहा है, राइट, जल्दी नहीं जल रहा है, तो उसको तो भाई साहब छोड़ दें, उसको फोड़िए ही मत, उसको सीधा सीधा पानी डाल दीजिए उसके ऊपर और फेंक दीजिए। एक फटाके का नुकसान से कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन वहाँ पर कई लोगों के हाथ में फट जाता है, कई लोग जाते ही फट जाता है, दैट इज़ मोर डेंजरस, राइट। एक पे चोट लगी ना आपको, फिर लगेगा एक कुर्बानी दे देनी बेहतर होती, डॉक्टर साहब की बात मान लेना था, राइट। सो रिमेंबर दैट, रिमेंबर दिस पॉइंट एंड देन मूव फॉरवर्ड, राइट। एंड बच्चों को तो फटाके मत फोड़ने दो, अनअकंपनीड तो बिल्कुल भी नहीं, मॉनिटर करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप एन आई ऑन देम, दिस इज, ये बहुत सिंपल सिंपल बेसिक्स हैं। देखिए फटाके नहीं फोड़ोगे उससे बेहतर कुछ नहीं है। और जैसे मैंने बताया आपको पहले पिछले वीडियो में डाइट वाले में कि एक पोल्यूशन फ्री फटाके भी आते हैं, स्मोकलेस क्रैकर्स, वो सर्च करिए, अगर आप फटाके फोड़ना ही चाहते हैं तो स्मोकलेस
क्रैकर्स फोड़ सकते हैं, लाइट साउंड होती है उसमें, सो कई सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड, वो कर सकते हैं. सो इतनी चीज़ें करिए, और हो सके तो वीडियो शेयर करके लाइक कर दीजिएगा ताकि लोगों को रिकमेंडेशन मिल सके. बाकी दिवाली मनाइए, खुशियां मनाइए, नचिए गाइए, और हमारे तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से आप सभी को, सभी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की. हैप्पी दिवाली.